बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर से लिया बॉलीवुड को आड़े हाथ। बॉलीवुड के स्टार किड्स पर कसा बेहद करारा तंज। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खास न्यूज। दोस्तों, साउथ और हिंदी सिनेमा को लेकर तो बहस काफी समय से छिड़ी हुई है और इस मामले पर अब कंगना रनौत का बयान सामने आया है। एक के बाद एक कई कलाकार इस बारे में अपने पक्ष रख रहे हैं और ऐसे में कंगना रनौत कैसे पीछे रह जाती। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे साउथ और हिंदी सिनेमा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला जिसे सुनकर सभी रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इन दिनों कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ के प्रमोशंस और इंटरव्यू में काफ़ी बिजी नज़र आ रही हैं और ऐसे ही एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया ये सवाल तो कंगना रनौत ने दिया काफ़ी करारा जवाब। दोस्तों, कंगना ने इसके जवाब में स्टार किड्स को आड़े हाथ ले लिया है और उन्होंने कहा है कि ये लोग फैंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं रहते हैं। दोस्तों, कंगना रनौत बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर अक्सर अपनी राय रखती हुई नजर आई हैं और यहाँ भी उन्होंने स्टार किड्स पर तंज कसते हुए कहा है कि दर्शक स्टार किड्स को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें फिल्में तो मिल जाती हैं लेकिन वो अपने फैन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। स्टार फैमिली से होने की वजह से उन्हें फिल्में ईजिली से मिल जाती हैं लेकिन फैंस को ईजिली अट्रैक्ट करना आसान बात नहीं है। दोस्तों, इसके आगे कंगना ने कहा है कि जिस तरह से साउथ के एक्टर्स दर्शकों से एक जुड़ाव रखते हैं वैसे बॉलीवुड एक्टर्स कभी नहीं कर सकते। बॉलीवुड स्टार के बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं और जिस तरह से अपनी बातें करते हैं वो हॉलीवुड फिल्में जैसी लगती हैं, ना कि एक हिंदी सिनेमा। दोस्तों, इसके बाद कंगना रनौत ने ये तक कह डाला कि ये तो अभी उबले हुए अंडे हैं और उनको अभी काफ़ी समय लगेगा बॉलीवुड में निखरने के लिए। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी को ट्रोल नहीं करना चाहती हैं लेकिन बात तो यही सच है, चाहे बुरी लगे या अच्छी। दोस्तों, कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में बताया कि पुष्पा में अल्लू अर्जुन का लुक वैसा था जैसा एक मजदूर का होता है, हर गरीब हर मजदूर उससे एक जुड़ाव महसूस कर रहा था और ऐसे में साउथ इंडस्ट्री इसी वजह से फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाती है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में कंगना आगे कहती हैं कि अब आप ही बताइए आज के समय में हमारा कौन सा हीरो एक मजदूर की तरह लग सकता है, उनसे ये होगा ही नहीं, वो नहीं कर सकते हैं और यही वजह है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे है क्योंकि वो अपने दर्शकों के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करती है। दोस्तों, वहीं बात करें कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की तो इन दिनों वह अपनी धाकड़ फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। कंगना रनौत काफ़ी समय के बाद एक एक्शन थ्रिलर मूवी में नजर आने वाली हैं। रजनीश गई के निर्देशन में बनी ये फिल्म 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता जैसे कलाकार दिखेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि ये फिल्म 20 मई को भूल भुलैया को भी टक्कर देने वाली है क्योंकि बड़े पर्दे पर भूल भुलैया भी इसी दिन दस्तक दे रही है। अब देखना ये होगा कि फैंस किस फिल्म को ज़्यादा प्यार देते हैं और किस फिल्म को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द ईयर। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।